आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th जो कि मनोहर प्रकाशन का है, आज हम लोग इसके प्रश्नावली 1B के क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने 1B के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 तक का, 7 तक का तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको एक बार पिछले वीडियो को जरूर देख लें। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया है, दिया है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है, LCM पहला तो ज्ञात करना है, दूसरा इसका क्या ज्ञात करना है, HCF भी ज्ञात करना है और m का मान भी निकालना है। तो हमें तीनों चीज को ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से। 8 में हमारा दिया है 18, दूसरा नंबर कौन दिया है 117, ये हमारा दो नंबर दिया गया है। इसका एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालेंगे। क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम LCM ज्ञात करना है और HCF दोनों पहले निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका LCM और HCF कितना आएगा। अगर 18 का LCM निकालते हैं 29 या 18 इस प्रकार से, उसके बाद 39 या 33 या 9, 31 या 3 इस प्रकार से आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 18 का एलसीएम, 18 का एलसीएम कितना आएगा 2 × 3 × 3 इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर अगर आप इसको स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 × 3 का स्क्वायर। दूसरा नंबर हमारा क्या है 117, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये कितनी बार में कटेगा। तो ये देखेंगे तो हमारा 3 से लगभग कटने लायक है, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27 इस प्रकार से कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3, 3 × 3 = 9, फिर से 13 × 13 इस प्रकार से कटेगा। लिखेंगे 117 बराबर 3 × 3 × 13 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसमें 3 3 डबल है, 3 का स्क्वायर × 13 इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमें जो प्राप्त हुआ, अभी हमारा क्या प्राप्त हुआ है, ये हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ है, ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, एलसीएम प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ में हम देखेंगे जो दोनों में संख्याओं में क्या रहेगा, समान रहेगा, उसी संख्या को हम लेंगे, वही हमारा क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। अब देखिए इसमें, इसमें भी 2 × 3 है, इसमें भी 2 × 3 है, तो दोनों 3 में 3 3 तो दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं HCF, HCF बराबर क्या लिखेंगे, दोनों में 1 3 कॉमन है, 1 3, दोनों में दूसरा 3 कॉमन है, दूसरा 3। अब इन तीनों का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9, ये हमारा HCF प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर 9 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 118 और 117 का HCF 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है। तो अब भाषा के रूप में लिखेंगे, अब हमें m का मान ज्ञात करना है इस प्रकार से लिख लेंगे। भाषा लिखना जरूरी रहता है जिससे कि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो कि आप कर क्या रहे हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद से अब 18m दिया है तो 18m को लिखेंगे। उसके बाद से दिया है
क्वेश्चन में 18m माइनस 117, तो लिखेंगे 18m माइनस 117, इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद से इक्वल टू, इक्वल टू लिखेंगे, ये कितने के रूप के बराबर है, एच सी एफ के दिया है, बराबर है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं हम लोगों को, क्वेश्चन में दिया है 18 और 117 के एच सी एफ को 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए इसको दोनों को संख्याओं को क्या दिया गया है, एच सी एफ के रूप में दर्शाया गया है, तो एच सी एफ हमारा कितना है, 9 है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, 18m इस माइनस 117 को इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं, तो क्या लिखाएगा, 9 ये माइनस में तो इधर जाएगा, तो कितना होगा, प्लस में 117, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने के बाद से अब m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर देखिए, तो अब m बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे पहले, तो कितना आएगा हमारा, 9 7 16 16, उसके बाद से 112, ये 126 आएगा। उसके बाद से ये m में से 18 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा, डिवाइड के रूप में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई के रूप में था, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, m बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अभी जो हमने एलसीएम के रूप में निकाला था, अब इसका पूरा एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम भी एक बार अब देख ले रहे हैं, अभी तो हमने m का मान प्राप्त किया है, हमने एलसीएम निकाला था, तो जो संख्याएं मैच कर गई थी उनको तो एक ही बार लेंगे, और जो संख्या मैच नहीं की उसको सभी संख्याओं को लेंगे हम, तो क्या मैच नहीं किया है, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर दो मैच नहीं किया है, देखिए दो एक ही बार इसमें आया, इसमें आया ही नहीं है, तो दो लेंगे। उसके बाद थ्री दो बार में आया है, तो थ्री को दोनों बार में कि एक एक बार मैच किया है, तो एक एक बार में ले सकते हैं, 3 × 3। उसके बाद से क्या नहीं मैच किया है, तो हमारा 13 नहीं मैच किया है, तो 13 को ले सकते हैं, इस प्रकार से देखेंगे। अब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम लोग कितना आएगा, 2 × 3 करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 बराबर 6 × 3 × 13, इस प्रकार से। अब 6 × 3 का कितना होगा, तो 18 होगा, 18 × 13, अब 18 × 13 करेंगे तो कितना आएगा, 234, ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, ये हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ 234, ये हमारा एम का मान प्राप्त हुआ, और ये हमारा एचसीएफ प्राप्त हुआ, जो कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या सॉल्यूशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो, जिससे वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकें।